वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज एंटी थायरॉयड ड्रग्स। एंटी थायरॉयड, उससे पहले हम लोगों ने थायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं बताया तो पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे एंटी थायरॉयड ड्रग्स। एंटी थायरॉयड ड्रग्स कौन सी होती हैं, इसमें क्या फंक्शन होता है, इसके क्या मेनली फंक्शन होते हैं, तो आइए जानते हैं। एंटी थायरॉयड ड्रग्स, दीज आर ड्रग्स यूज ऑफ लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर रिएक्शन थायरॉयड ग्लैंड। एंटी थायरॉयड जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, मतलब थायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उस हार्मोन्स के सिक्रेशन को, उसके रिलीज को कम करने के लिए हम एंटी थायरॉयड ड्रग्स को प्रेफर करते हैं, उनको देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इनविट हार्मोन सिंथेसिस, इसमें एंटी थायरॉयड ड्रग्स आती हैं। इसमें जो पहली ड्रग है हमारी प्रोफोफाल्डोथैलाज़ोलिया, मिथोमाज़ोल, कार्मिनामाज़ोल, ये हमारी जो एंटी थायरॉयड ड्रग्स बेसिकली प्रायोरिटी बेस पे हम लोग इसे देते हैं। और ये क्या करती हैं, इनविट हार्मोन सिंथेसिस, जो हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, उसके फॉर्मेशन रेगुलेशन को कम करना, इनविट कर देना। ऐसे दूसरा क्लास है इनविट आयोडाइड ट्रैपिंग, इसको बोलते हैं आयोनिक इनविटर, जो हमारे बॉडी में इनविट द, इसको हम इनविट करेंगे, जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन की जो मात्रा हो रही है बॉडी में, जो ज़्यादा हो रही है, सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके सिक्रेशन को इनविट कर देना, मतलब इनविट द आयोडीन ट्रैपिंग। जो ट्रैपिंग हो रहा था एक दूसरे से मिल रहे थे, अब वो क्या क्या मिल रहे हैं, थायोसाइनेट एंड परक्लोराइड्स एंड द नाइट्रेट्स, ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सटेंस होते हैं, अब वो आपस में मिलके कोलैबोरेट होके आयोडीन के साथ में, और वो आयनिक इनविटर्स का काम करते हैं। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है इनविट हार्मोन रिलीज, इनविट हार्मोन जो हमें हमारे हार्मोन्स हैं उनके हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम करना, इनविट कर देना। तो पहला हमारा क्या है, आयोडीन है, आयोडाइड्स है, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। ऐसे लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रॉय थायरॉयड टिश्यू, तो इसमें डिस्ट्रॉय थायरॉयड टिश्यू में हमारा एक प्रकार रेडियो एक्टिव आयोडीन्स होती हैं, जो कि हमारा आयोडीन 131 होती है, ऐसे ही आयोडीन 125 होती है, ऐसे आयोडीन 123 होती है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। तो हमारा सबसे एक ड्रग जो मेन बेसिकली जो हमारा एक ड्रग है, कोई से भी आप ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं, सारा क्लासिफिकेशन सेम रहेगा। प्रोफाइलोथायरोयूरिया के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन क्या है पूरा, तो ओनली द हार्मोन सिंथेसिस इनविटर था कॉल्ड एंटी थायरॉयड ड्रग्स। एक एक ये जो ड्रग है हमारी एंटी थायरॉयड ड्रग्स है, जो कि थायरॉयड हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम करने का काम करती है। थ्रो इज जर्म्स इज आल्सो बीन द अप्लाइड टू द ऑल थायरॉयड इनविटर, और ये इनविटर की तरह काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स बाइंड टू द थायरॉयड परोक्सीडेज एंड द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन और आयोडोट्रोपिसिल्स रिड्यूसिंग थेरेपीज। इसमें सबसे फर्स्ट मेनली क्या है, इनविट द आयोडिनाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन रिड्यूसिंग इन थायरोग्लोबुलिन, एक प्रकार की प्रोटीन है, उस प्रोटीन के फंक्शन को कम कर देना। दूसरा है कपलिंग, जो हमारे एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस से आयोडीन्स के साथ में मिल रहे थे, उसकी कपलिंग को रोकना, इनविट कर देना। इनविट द कपलिंग ऑफ आयोडोट्रोपिन रिड्यूस द फ्रॉम T3 एंड T4, जो कि T3 और T4 के सिक्रेशन को बढ़ा रहे थे, तो उसे हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। थर्ड जो हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑल लोअर कंसनट्रेशन ऑफ द एंटी थायरॉयड ड्रग्स देन एक्शन, और ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके एंटी थायरॉयड ड्रग्स का एक्शन मिलता है हमें। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द ट्रैपिंग, ये हमारे केवल कपलिंग में तो काम करती हैं, बट ट्रैपिंग में काम नहीं करती हैं। ओके, आयोडीन एंड डज नॉट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ T3 एंड T4 ऑन पेरिफेरल टिश्यू और ऑन पिट्यूटरी, ट्रैपिंग में डो नॉट अफेक्ट द आयोडाइड। सेकेंड जो है हमारा प्रोफाइलोथायरोयूरिया आल्सो इनविट द पेरिफेरल कन्वर्जन्स ऑफ
T4 and T3 by D1 and type of 5DI, but do not by the D2 type of mainly partly contribute in the antithyroid effect. इसका पूरा इसमें जो हमारा फ्लो चार्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो जो हमारा सिक्रेशन हो रहा था, डीआयोनाइजेशन हो रहा था आयोडाइड आयोडीन और आयोडाइड के से जो हमारी कपलिंग बन रही थी, तो वो कपलिंग क्या दो भागों में डिवाइड हो जाती है, वो MIT और DIT है, मोनोसोडियम मोनो आयोडाइन ट्रैपिंग्स एंड डाई आयोडीन. तो ये इन दोनों से मिलके ट्रैपिंग होके कपलिंग क्या करेगा, फिर वो हमारा T3 और T4 का फंक्शन करेगा और वो हाईली हमारी बॉडी में रिड्यूस होने, मतलब उसका बोल सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा T3 एंड T4. अब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या उसको ओवरकम भी हमें करना है. तो ऐसे हम जो ड्रग्स देते हैं जो कि हमारे T3 और T4 के रेगुलेशन को एकदम बैलेंस करने का काम करती है. तो वहीं इस डायग्राम में आप देख रहे हैं EDME इसकी क्या है, ऑल एंटी थायराइड हारमोन्स इज क्विकली एब्जॉर्ब. अब जितनी भी हमारी पूरी EDME है उसमें क्या है, ये एंटी थायराइड जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि ये ऐसे हमारी वाटर वेस्ट होती हैं, क्विकली एब्जॉर्ब ओरली वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी, और बहुत जल्दी बॉडी में एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. और मिल्क एंड क्रॉस प्लेसेंटा, मिल्क फॉर्मेशन में भी इसके क्रॉस हो जाती हैं, प्लेसेंटा में भी क्रॉस हो जाती हैं. एंड द मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर में इसका मेटाबोलिज्म होता है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं. ऐसे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं. सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपो मतलब कम और थायरॉयडिज्म मतलब हार्मोन, एंटी थायरॉयड हार्मोन्स का कम हो जाना. अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एंड द कॉजेज ऑफ गोइटर, गोइटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट ऑफ द, अगर हम अपने एंटी थायरॉयड हार्मोन्स अगर हम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं उनका जो लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और गोइटर की कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो जाएगी. तो इसमें हमें क्या करना है, स्टॉप द ड्रग्स, हमें ऐसे ड्रग्स को स्टॉप करना है, कम करना है. इम्पॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट हैं आर द इनटॉलरेंस, स्किन रैशेस एंड जॉइंट पेन. इनटॉलरेंस भी हो सकता है, स्किन रैशेस भी आ सकते हैं और जॉइंट पेन भी हो सकता है इसमें. लॉस ऑफ ग्रेविंग ऑफ द हेयर, हेयर आपके गिर सकते हैं. लॉस ऑफ टेस्ट, आपका स्वाद भी नहीं आ सकता है आप जो आप खाना खाएंगे. फीवर एंड द लीवर डैमेज आर इनफ्रिक्वेंटली. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इट इज़ अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें इस ड्रग को प्रेगनेंसी में नहीं देना है, मिल्क फीडिंग में भी नहीं देता है, जो मदर मिल्क फीडिंग कर रही हैं बच्चे को दूध पिला रही हैं उसमें भी इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए. एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर पेशेंट, जिसका हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसको बहुत ज़्यादा कंडीशन है इसकी, और गोइटर भी है, तो इस केस में उसको नहीं देना है. हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली द लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, जो हमारे साल्ट्स हैं फिजियोलॉजिकल साल्ट्स, उनका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और अगर हमने एंटी थायरॉयड हार्मोन्स भी दे दिए तो क्या है उनका लेवल और नीचे गिर जाएगा, तो उससे कि गोइटर की कंडीशन और भी भयंकर हो जाएगी और उसको दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को. यूज़ क्या है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स कंट्रोल थायरोक्सो टॉक्सिन्स इन द बोथ ग्रेव्स डिसीज एंड द टॉक्सिक नोडुलर गोइटर. गोइटर में हम लोग देते हैं और ग्रेव्स जो हमारी डिसीज होती है हम उसमें देते हैं. बस इसके दो एडवर्स इफेक्ट हैं. थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट. नमस्कार.